नमस्कार, मैं हूँ दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 सितंबर, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को लेकर विभाग ने जारी किया बड़ा आदेश। बेगूसराय में इस दिन लग रहा रोजगार मेला। 10वीं 12वीं पास ले सकते हैं भाग। भूमि सर्वेक्षण में सुस्ती देखते हुए विभाग ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं करवाने वाले को देना पड़ सकता है 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। राशन वितरण व्यवस्था में केंद्र सरकार ने किया बड़ा बदलाव। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को लेकर अंपायर अनिल चौधरी ने किया बड़ा खुलासा। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। CISF की तरफ से 1130 पदों पर निकली भर्ती। CISF की तरफ से 1130 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट cisfrect.cisf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को लेकर विभाग ने जारी किया बड़ा आदेश। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिसके तहत कुछ जिलों को छोड़कर राज्य के अधिकतर जिलों के अस्पताल में तैनात डॉक्टर और अन्य कर्मियों की छुट्टियाँ 15 सितंबर तक रद्द कर दी गई हैं। ये फैसला बाढ़ को देखते हुए लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अरवल, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, नवादा और रोहतास जिले को छोड़कर अन्य जिलों में ये आदेश लागू होगा। इस आदेश में कहा गया है कि इन जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में पदस्थापित सभी चिकित्सा पदाधिकारी, सभी स्वास्थ्य कर्मी नियोजित सहित स्वास्थ्य प्रशिक्षक, पारा मेडिकल स्टाफ, GNM, ANM, शल्य कक्ष सहायक, लैब तकनीशियन और कार्यालय परिचारी की सभी तरह की छुट्टियां रद्द रहेंगी। इस संबंध में आदेश स्वास्थ्य विभाग के में अपर मुख्य सचिव ने जारी किया है। बिहारी बात रहे स्पेशल में आज हम बात करेंगे नरेंद्र झा के बारे में। ये एक भारतीय अभिनेता थे। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1962 को बिहार के मधुबनी में हुआ था। इन्होंने कई धारावाहिकों और फिल्मों में अपनी अहम भूमिका निभाई है, जिसमें हवन में हरि ओम बाप जी, हमने ली है शपथ में ACP कर्णवीर जैसे कई धारावाहिकों में सराहनीय किरदार शामिल है। इसके अलावे हैदर, रईस, शोरगुल, काबिल जैसे कई फिल्मों में भी इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। 14 मार्च वर्ष 2018 को इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं करवाने वालों को देना पड़ सकता है 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाए गाड़ी चलाने वालों को बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने अलर्ट किया है। विभाग की तरफ से कहा गया है कि ऐसे वाहन मालिकों को सड़क दुर्घटना में वाहन से किसी भी मृत्यु होती है तो उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुआवजा देना पड़ सकता है। साथ ही यदि गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं रहता है तो जुर्माना लगाया जाएगा और दुर्घटना होने पर घायल के इलाज या मृत्यु की स्थिति में 5 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। इस मामले में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने जानकारी दी है कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को न्याय मिले, इसलिए राज्य में बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। ये मुआवजा भुगतान के लिए आदेश जारी करते हैं। पिछले 6 महीनों में कई मामलों में बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहन से दुर्घटना होने पर पीड़ित को वाहन मालिक से मुआवजा देने का आदेश पारित हुआ है। 15 मामलों में विभिन्न न्यायालय ने 5-5 लाख रुपए तक देने के आदेश पारित किए हैं। वाहन मालिकों ने भुगतान भी किया है। अंतर जातीय और दिव्यांग विवाह योजना के लिए आज से आवेदन शुरू। मुख्यमंत्री अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना और बिहार दिव्यांग विवाह योजना के लाभ के लिए समाज कल्याण विभाग 2 दिसंबर यानी आज से ऑनलाइन सेवा शुरू कर रहा है। इस नए पोर्टल से आवेदकों को पता चल सकेगा कि उनका आवेदन किस अधिकारी के पास अटका हुआ है और वे ऑनलाइन की शिकायत भी दर्ज कर सकेंगे। इससे आवेदन प्रक्रिया में तेजी आएगी और लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल पाएगा। पहले आवेदकों को DM और सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी के पास व्यक्तिगत रूप से इसके लिए आवेदन देना पड़ता था, जिससे कई बार प्रक्रिया में देरी होती थी। अब ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आवेदन की स्थिति पर नज़र रखना आसान हो जाएगा और दिव्यांगों को खास तौर पर सुविधा मिलेगी। योजना के तहत अंतर जातीय विवाह और दिव्यांग विवाह के लिए 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जबकि अगर दोनों पार्टनर दिव्यांग हैं तो उन्हें 1-1 लाख रुपये तक मिलेंगे। दिव्यांग अंतर जातीय विवाह करने पर 3 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में रहेगी।
रोहतास के इस प्रखंड में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करेगा उत्खनन। इस साल देश के कई पुरातात्विक महत्व के स्थलों पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्खनन की अनुमति दी है। अनुमति मिलने के बाद रोहतास जिले के तिलौथू प्रखंड के रामडेहरा गांव के टिला का भी उत्खनन होगा। डीएवी पीजी कॉलेज वाराणसी को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहाँ की प्राध्यापिका मनीषा सिंह इसकी निगरानी करेंगे। इस गांव का इतिहास 1500 ईस्वी पूर्व का है। इसकी जानकारी इतिहासकार डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी से मिली है। मिली जानकारी के मुताबिक यहां के टीले से पहले काले चमकीले मृद भांड के अवशेष मिले थे, जिससे समृद्ध सभ्यता को दर्शाता है। इसलिए ASI के उचित माध्यमों से इस टीले का उत्खनन करवाने का निर्णय लिया गया है। भूमि सर्वेक्षण में सुस्ती देखते हुए विभाग ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है। हालांकि तय लक्ष्य के मुताबिक सर्वेक्षण की गति कई जगहों पर धीमी पड़ी हुई है, लेकिन अब इसी को देखते हुए सर्वे से जुड़े अधिकारियों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही रैयतों से अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द स्वघोषणा पत्र को वेबसाइट पर अपलोड कर दें या विभाग की तरफ से लगाए जा रहे शिविर में जाकर इन कागजातों को जमा करवाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि शिविर ऐसी जगह लगाया जाए जहां लोग आसानी से पहुँच सके। अंचल कार्यालय के पास शिविर लगाना सबसे बेहतर हो सकता है। बेगूसराय में इस दिन लग रहा रोजगार मेला, 10वीं-12वीं पास ले सकते हैं भाग। बेगूसराय के जिला नियोजनालय संयुक्त श्रम भवन पनहाज चौक पर एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये रोजगार मेला 3 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक देखने को मिलेगा। इस जॉब कैंप में भाग लेने वाले युवाओं को जरूरी है कि उन्होंने 10वीं या 12वीं या डिप्लोमा मैकेनिकल पास किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को 13,000 से लेकर 18,000 रुपए तक करीब वेतन मिलेंगे। जॉब कैंप में भाग लेने से पहले उम्मीदवारों को ncs.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। राशन वितरण व्यवस्था में केंद्र सरकार ने किया बड़ा बदलाव। भारत सरकार ने राशन वितरण से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब राशन कार्ड धारकों को 1 महीने का राशन ही मिलेगा और यदि वे उस महीने के अंत तक राशन नहीं लेते हैं तो उनका राशन खत्म हो जाएगा। पहले अगर कोई व्यक्ति 1 महीने तक का राशन नहीं ले पाता था तो अगले महीने उसे 2 महीने का राशन दिया जाता था, लेकिन नए नियमों के तहत अगर कोई राशन कार्ड धारक 1 महीने का राशन नहीं लेता है तो उसे अगले महीने सिर्फ उसी महीने का राशन मिलेगा। इस बदलाव से राशन कार्ड धारकों को अब तक 1 महीने में सिर्फ 1 बार ही राशन मिलेगा और पिछले महीने का राशन नहीं दिया जाएगा। डीजीपी का पदभार संभालने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव पहुंचे आलोक राज। बिहार में डीजीपी बनने के बाद पहली बार आलोक राज मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र के नेउरा गोपालपुर गांव में इनका पैतृक घर है। यहां आने के बाद डीजीपी आलोक राज का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उनके सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम किया गया था। इस मौके पर आलोक राज ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की, फिर मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस में उन्होंने कई वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। सड़क पर इन संकेतों को ध्यान में रखने से नहीं कटेगा आपका ट्रैफिक चालान। कई बार सड़कों पर गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक पुलिस हमारा चालान काट लेती है और इसका एक बड़ा कारण है सड़क पर खींची गई लाइनों का सही तरीके से नहीं समझ पाना। तो चलिए आज हम आपको सड़क पर बने कुछ संकेतों की जानकारी देते हैं। सड़क पर सफेद सीधी लाइन तो आपने खींची देखी होगी, इसका मतलब होता है आप अपनी लेन में ही रहें और दूसरी लेन में ना जाएं। यदि सड़क पर 2 सीधे सफेद और पीली लाइनों का संयोजन है तो भी लेन बदलने की इजाजत नहीं है। इसी तरह सड़क पर पीली या सफेद लाइनें पार्किंग के लिए निषेधात्मक होती हैं। टूटी हुई पीली और सफेद लाइनों का मतलब है कि आप ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन सीधे लाइन पर ऐसा नहीं कर सकते। स्टॉप लाइन पर रेड लाइट के दौरान वाहन को रोकना जरूरी होता है और जेब्रा क्रॉसिंग पैदल चलने वालों के लिए होती है। सही जानकारी रखने से चालान और दुर्घटनाओं से आप बच सकते हैं। बिहार से हज 2025 के लिए केवल 8 दिन बचे हैं शेष। हज भवन पटना से भी कर सकते हैं आवेदन। बिहार से हज 2025 के लिए आवेदन जारी है। आवेदन करने के लिए अब केवल 8 दिन ही शेष बचे हैं। इसकी जानकारी एक विज्ञप्ति के जरिए बिहार राज्य हज समिति के अध्यक्ष जनाब अब्दुल हक ने दी है। उन्होंने कहा है कि हज 2025 इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने अब तक किसी कारण से अपना आवेदन ऑनलाइन नहीं करवाया है, उनसे अनुरोध है कि हज आवेदन 9 सितंबर 2024 से पहले कर लें। इच्छुक आवेदकों के लिए हज भवन पटना में भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। भूमि सर्वेक्षण में भू स्वामियों को जागरूक करने के लिए विभाग ने विकसित किया है
बिहार में कई जगहों पर भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भू स्वामियों को जागरूक करने के लिए ट्रैकर ऐप को विकसित किया है। इस ऐप के जरिए लोग सर्वे की अद्यतन स्थिति को की जानकारी ऑनलाइन ले सकेंगे। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में जिला, अंचल और ग्राम पंचायत का नाम डालने पर जमीन का वितरण देखा जा सकता है। साथ ही मौजा, खाता, खेसरा और प्लॉट संख्या के साथ रकबा देखने की भी सुविधा दी गई है। इस शिक्षिका के पढ़ाने के अंदाज को देखते हुए इनोवेशन अवार्ड से किया जाएगा इन्हें सम्मानित। जमुई जिले के कृत्यानंद मध्य विद्यालय के शिक्षिका शोभा सिंह साइंस विषय पढ़ाती हैं। इन्होंने अपने विषय विज्ञान को बच्चों के लिए दिलचस्प बना दिया है। दरअसल शोभा घरेलू सामान से जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं को सफलता और सरलता तरीके से समझाती हैं, जिसमें बच्चों ने विज्ञान में गहरी रुचि दिखानी शुरू कर दी है। उनके इनोवेटिव पढ़ाने के तरीके की वजह से बच्चे वेस्ट मटेरियल से बिजली बनाकर नए प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हैं। इस रचनात्मक के लिए शोभा सिंह को इनोवेशन रिकॉग्निशन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम 3 सितंबर को पटना में आयोजित होने वाला है। शोभा सिंह ने पुणे में ट्रेनिंग ली थी, जो उनके शिक्षण विधि को बेहतर बनाने में सहायक साबित हुई है। अब बच्चों का विज्ञान में उत्साह भी बढ़ गया है। बिहार के पहले 6 लेन वाले एक्सप्रेसवे बनने का रास्ता हुआ साफ। बिहार में पहला 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे बनने वाला है। इसके लिए रास्ता साफ हो चुका है। ये 6 लेन एक्सप्रेसवे पटना से पूर्णिया तक के लिए बनेगा। इसके लिए 26,000 करोड़ रुपए केंद्रीय बजट में स्वीकृत किए गए हैं। मधेपुरा सांसद दिनेश चंद्र यादव ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि अब जल्द ही इस सड़क के निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि NH 106 और NH 107 का निर्माण कार्य पूर्ण होने में देरी हुई है। NH 106 में वीरपुर से उत्किसुनगंज तक 85% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष बचा हुआ कार्य 2025 के मार्च महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। NH 107 में काम धीमी गति से चल रहा है, इसके कारण कार्य को तेज करने की पहल की गई है। जाने सोशल मीडिया में किस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं एक्टिव। आजकल लोग इस सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। 2024 तक वैश्विक इंटरनेट यूजर्स की संख्या 5.35 बिलियन तक पहुंच जाएगी, जिसमें 66% लोग इंटरनेट का उपयोग करेंगे। पिछले एक साल में इंटरनेट यूजर्स में 1.8% तक की वृद्धि हुई है, जबकि सोशल मीडिया यूजर्स 5.6% बढ़े हैं। भारत में इंटरनेट यूजर्स 821 मिलियन और सोशल मीडिया अकाउंट्स 462 मिलियन हैं। 2024 में फेसबुक सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है, जिसमें 3.07 बिलियन यूजर्स हैं। इसके बाद यूट्यूब और मेटा के व्हाट्सएप व इंस्टाग्राम है। टेलीग्राम 900 मिलियन यूजर्स के साथ 8वें स्थान पर है। मेटा के पास कई प्रमुख प्लेटफॉर्म होने के कारण इसका दबदबा ज़्यादा बना हुआ है। प्रदेश के उत्तरी भाग में मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना। प्रदेश में कई जगहों पर आने वाले 24 घंटे में मौसम में थोड़े बहुत बदलाव होने की संभावना जताई गई है। सितंबर के पहले सप्ताह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। आज भी प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर भाग के 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात होने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम तापमान आज 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई है। अब बिहार के म्यूजियम की लाइब्रेरी में पाठकों को किताब पढ़ना होगा आसान। अब बिहार म्यूजियम की लाइब्रेरी में मौजूद किताबों को पढ़ना पहले से और आसान हो जाएगा। इसके लिए उन्हें टिकट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। दरअसल किताब पढ़ने की इच्छा रखने वाले पाठकों को हर साल के लिए 5,000 रुपये और 6 महीने के लिए केवल 3,000 रुपये तक एंट्री लेने की सुविधा दी जाएगी। इसकी जानकारी बिहार म्यूजियम के निदेशक अशोक कुमार ने दी है। उन्होंने कहा है कि पढ़ने के लिए अलग से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पहले मेंबरशिप लेने के बाद अलग से 50 रुपये का टिकट लेना होता था, जिस दिन पाठक लाइब्रेरी आते थे, लेकिन अब इस व्यवस्था से उन्हें सुविधा मिलेगी। स्मार्ट टीवी खरीदते समय इन बातों का रखें ख्याल। स्मार्ट टीवी खरीदते समय कई जरूरी चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। इसमें सबसे पहला है अपने बजट का निर्धारण करना, क्योंकि स्मार्ट टीवी की कीमतें अलग अलग होती हैं और बजट निर्धारित करने के बाद हमारे सामने विकल्प सीमित हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि स्क्रीन का साइज कमरे के आकार के अनुरूप होना चाहिए। टीवी बहुत बड़ा या छोटा भी नहीं होनी चाहिए। बात करें इसके रेजोल्यूशन की, तो 4K या 8K रेजोल्यूशन वाले टीवी उच्च गुणवत्ता की छवि प्रदान करते हैं, जबकि HD रेडी टीवी की तुलना में बेहतर होते हैं।
ऑपरेटिंग सिस्टम का चुनाव करते समय ये सिस्टम चुने जो उपयोग में आसान हो और आपके पसंदीदा ऐप्स को सपोर्ट करे। अंत में टीवी ने पर्याप्त कनेक्टिविटी पोर्ट्स जैसे HDMI, USB और ईथरनेट होना चाहिए। साथ ही वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी जांच कर ले। बिहार के जिले में तेजस्वी की संवाद यात्रा होगी शुरू। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जल्द ही संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। तेजस्वी की ये यात्रा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर है। तेजस्वी की इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके निशाने पर होंगे। तेजस्वी की यात्रा 10 सितम्बर को समस्तीपुर से शुरू होगी। इसके बाद दरभंगा और मधुबनी का दौरा करेंगे। इस दौरान वे स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। 1 सितम्बर को राजद ने जातीय गणना और आरक्षण के मुद्दे पर राज्यव्यापी हल्ला बोलकर आयोजन किया है, जिसकी तेजस्वी यादव खुद नेतृत्व करने वाले। राजद से इस्तीफे को लेकर श्याम रजक ने किया बड़ा खुलासा। बीते दिन राजद से इस्तीफा देने वाले श्याम रजक ने जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है। जदयू में शामिल होने के बाद श्याम रजक ने राजद से अपने इस्तीफे का बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने उन्हें कहा था, जहां स्वाभिमान और मान सम्मान को महत्व ना मिले तो वहां जगह छोड़ देनी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि मैं सत्ता के लिए जदयू में आया हूं। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि जिस समय मैं राजद में गया था उस समय जदयू का विधायक था और इस्तीफा देकर आया था। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को लेकर अंपायर अनिल चौधरी ने किया बड़ा खुलासा। भारतीय कप्तान और बल्लेबाज रोहित शर्मा को लेकर भारतीय अंपायर अनिल चौधरी ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल शुभांकर मिश्रा के एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा जैसे प्लेयर के लिए अंपायरिंग करना बड़ा आसान है। ये या तो वो आउट होते हैं या नॉट आउट होते हैं। सीधा सीधा काम है उनका, वो टुक टुक करके खेलते नहीं हैं। वो तो आउट हैं या नॉट आउट हैं। ऐसे प्लेयर को अंपायरिंग करना आसान है। आप देखना कभी वो साफ आउट होंगे या साफ नॉट आउट होंगे, इसलिए उनके लिए अंपायरिंग करना बेहद ही आसान है। भारतीय टीम के किस कप्तान से आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1573 में अकबर ने गुजरात फतह किया था। आज के दिन वर्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू के उपसभापतित्व में अंतरिम भारत सरकार का गठन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1970 में कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक का उद्घाटन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1999 में भारतीय तैराक बुला चौधरी इंग्लिश चैनल 2 बार पार करने वाली पहली एशियाई महिला बनी थी। आज के दिन वर्ष 2009 में आंध्र प्रदेश के CM YS रेड्डी को ले जा रहा हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के बाद लापता हुआ था। हिंदुस्तान पेट्रोलियम को लेकर वायरल हो रहा है ये फर्जी पत्र। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एक फर्जी पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि HPCL की तरफ से LPG गैस एजेंसी की डीलरशिप दी जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि दावा पूरी तरह से फर्जी है। HPCL की तरफ से ऐसे कोई भी लेटर जारी नहीं किया गया है, इसलिए इस तरह के खबरों पर विश्वास करने से बचें। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए पूरी तरह से फर्जी बताया है। हरून इंडिया रीच लिस्ट 2024 में भारत के 102 NRI ने बनाई अपनी जगह। इस बार 102 NRI को हरून इंडिया रीच लिस्ट 2024 में जगह मिली है। इसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो भारत से जाकर विदेशों में अपना अच्छा खासा कारोबार कर रहे हैं। इसमें भारतीयों के लिए सबसे पसंदीदा देश अमेरिका शामिल है, उसके बाद UAE और लंदन का नाम शामिल है। हरून इंडिया रीच लिस्ट 2024 में लंदन के रहने वाले गोपी चंद्रा हिंदुजा एंड फैमिली सबसे अमीर NRI है। इनकी संपत्ति करीब 1,92,700 करोड़ रुपए है। इसके बाद आरसेलर मित्तल के मालिक लक्ष्मी निवास मित्तल का नाम आता है, जो ब्रिटेन में रहते हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर लंदन में रहने वाले वेदांता रिसोर्सेज के मालिक अनिल अग्रवाल एंड फैमिली है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है बैंगलोर, ऑप्शन डी है हैदराबाद। इसका सही उत्तर है बैंगलोर। हाल ही में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा कब से शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है 25 अगस्त, ऑप्शन बी है 26 अगस्त, ऑप्शन सी है 22 अगस्त, ऑप्शन डी है 21 अगस्त। इसका सही उत्तर है 25 अगस्त। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री संयुक्त आयोग की बैठक के लिए भारत आए हैं? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है वियतनाम। इसका सही उत्तर है ब्राज़ील। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1916,
ऑप्शन बी है 1918, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1927, इसका सही उत्तर है 1916। दक्षिणी गंगा के मैदानों में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए करैल कैवाल मिट्टी, ऑप्शन बी है बलथर मिट्टी, ऑप्शन सी है भांगर मिट्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर है करैल कैवाल मिट्टी, इसका सही उत्तर है करैल कैवाल मिट्टी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है सुमन कुमार मिश्रा, अमित कुमार, बिरजू कुमार, रवि भूषण झा, पुरुषोत्तम कुमार, कल्याणी चौधरी, रंजीत मिश्रा, मोहम्मद साकिर हुसैन, शिव शक्ति, राजीव कुमार, मुन्ना प्रसाद, किशोर सिंह, कृष्णा यादव, मोहम्मद ताजुद्दीन, ज्योति कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सड़कों की व्यवस्था कैसी है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।